अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ कब जा रही हैं, खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराती रहें, आमीन। और इस टाइम देखें कितना प्यारा व्यू बनाया हुआ है इधर का। मेरा दिल नहीं किया कि मैं बैकग्राउंड में कोई वीडियो लगाऊँ, मैंने सोचा कि चलो जी अपने बहनों के साथ ये वाला व्यू शेयर करते हैं। लोग जो है ना वो खेतों में काम कर रहे हैं इस टाइम, हमारे मुशी सारे किसी एक गाँव का रियल माहौल है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बात आप लोगों के साथ जो करनी है, यकीनन आप लोग जानते होंगे कि मैं किस पे बात करने वाली हूँ। तो कल वसीम भाई की वीडियो आई थी और वो वीडियो देखकर हम लोगों को यकीन हो गया कि उसकी जो डोर है ना वो किसी और के हाथों में है। वो बंदा खटपुतली बना नाच रहा है आजकल। आप लोगों के सामने कितनी बार वीडियो को स्किप किया गया, कितनी बार पीछे बिहाइंड कैमरा उसको वसीम को कितनी बार किसी ने दिया है, एडवाइस दिया है, उसको बताया है कि ऐसे बोलो, ये बातें करो। तो बाकी बातें भी हैं जो भी उसने बोला है, जो भी हम लोगों ने देखा है, सोचा है, समझा है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ तफसीली बात होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं हमारी। और बहन भाई हमें आके बोलते हैं कि इस पर आप करें बात करें, उसकी वीडियो जो भी देखते हैं तो आप लोग अपना रिव्यू दें। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आएंगे, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे बहन भाइयों को बर वक्त मिल सके। तो वसीम भाई की वीडियो देखिए, हम भाई तो कहते हुए बहुत ही दिल दुखता है क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है कि उसको इतनी इज्जत दी जाए। भाई तो बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है और भाई तो बहनों की इज्जत करने वाले हैं, बहनों के बहनों से प्यार करने वाले हैं, रिस्पेक्ट करने वाले भाई हैं। लेकिन ये जो छछुंदर है, कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का मज़ा, तो बिल्कुल ये मुहावरा इस पर बिल्कुल फिट आता है क्योंकि ये छोटा सा बच्चा है, ये फीडर पीता हुआ बच्चा है, इसको नहीं पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, आजकल क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन चैनल वालों की वीडियोस को देखकर इसको पता चलता है कि आजकल मेरी वाइफ क्या कर रही है, वो किस रंग में है, वो किन से बातें कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो वैसे इसको नहीं पता है क्योंकि ये सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसका दूर दूर तक सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। और इसको रिएक्शन वालों की वीडियो देख कर ही पता चला है कि इसकी बीवी को लोग क्या क्या गिफ्टिंग करते हैं, इसकी वाइफ लोगों से क्या क्या बातें करती है, किस तरह से वो हार्ट पेश करती है, किस तरह से वो चुमियाँ वगैरह, ये रोज़ा रख कर बातें कुछ अच्छी नहीं लग रही हैं। लेकिन मजबूरी है क्योंकि एक एक बात का हमने भी पॉइंट उठाना होता है। तो इसको पता है सिर्फ लगा रिएक्शन वालों की वीडियो से। तो मेरे भाई में हम ये कहती हूँ कि रिएक्शन वाले किसी के दुश्मन नहीं हैं, रिएक्शन वाली भी औरतें, वो किसी का घर बर्बाद हुए नहीं देख सकती हैं। लेकिन तुम जैसे बदतमीज़ इंसान, जाहिल इंसान से ये तवक्का की जा सकती है कि ना ही तुम अपनी औरतों की इज्जत कर सकते हो, ना ही तुम किसी और औरत की इज्जत कर सकते हो। तुम्हारी गुटी में शामिल है कि इस तरह से बदतमीज़ी करना, इस तरह से बिहेव करना दूसरे बंदों के साथ। जिस तरह तुमने मंडी मंडी कह रहे थे कि शायद मंडी से चीज़ें अच्छी मिलती होंगी, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस मंडी की बात कर रही हूँ। तो आज अल्लाह की करनी ये हुई है कि मकाफाते अमल तुम पे हुआ है, जिस पर्दादार औरतों के लिए तुम मंडी मंडी का लफ्ज़ यूज़ कर रहे थे ना, आज उसी से तुम्हारा लेना देना है क्योंकि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे एक एक करतूत बयान कर दिए हैं। अब लोग ये भी कहते होंगे कि जो वसीम ने बताया है वो भी सच है, वो भी जो बात बता रहा था। लेकिन आप लोग ज़रा देखें दिमाग से वसीम की वीडियो देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी किस तरह ये डरा सहमा और किस तरह से इसके चेहरे की रंगत जो है ना वो उड़ी हुई थी। बात कर और रहा था, इसका चेहरा उसका साथ नहीं दे रहा था, बात और निकल रही थी। तो आप लोग ज़रा ये भी सोचें, मैं जहाँ पे सोनिया को भी अच्छा सा नहीं कहती, मैं ये नहीं कहती कि सोनिया बहुत अच्छी है, सोनिया ने जो किया वो अच्छा किया, यकीनन सोनिया भी इसके जैसी है। ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है,
एक आसे नहीं बचती है। मियाँ बीवी साइकिल के कहते हैं ना दो पहिए होते हैं, उन गाड़ी के दो पहिए होते हैं और उन एक पहिए के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती है। तो कहीं ना कहीं भी सोनिया का भी कसूर है। जब ये बात आई कि उसने कहा कि लाइबा वाला चैनल इसके पास है, तो इसने ये बात बोली कि लाइबा वाले चैनल की जो वीडियोस थी ना वो सारी सोनिया ने डिलीट की। तो ये बात हम कब से कह रहे हैं, हमने सब ने अपने रिएक्शन चैनल पे यही वीडियोस अपलोड की हैं कि जो किए थी सोनिया व्लॉग्स वाली वीडियोस डिलीट हुई थी वो जावेद ने नहीं की थी, वो सोनिया ने की थी। जो लाइबा वला वाले चैनल्स की वीडियोस डिलीट हुई हैं वो भी सोनिया ने ही की हैं। इसके बाद जो चैनल का हशर हुआ है, पहले किया था जावेद सांड ने, इसके बाद तुम दूसरे सांड, तुम जला रहे के दूसरे सांड के तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इनको तबाह बर्बाद करने में। मैं बार बार ये कह रहे थे कि मैंने कहा सोनिया को तुम लाइव ना आओ, लाइव ना बैठो, अच्छी बात नहीं है, उसके अबू को बोला। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें भी हड्डी चाहिए थी, तुम्हें भी चूसने के लिए हड्डी चाहिए थी। अगर वो लाइव ना बैठती तो तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे ना मिलते, तुम भी अपने इतने फूल की कुप्पा ना हो जाते खुशी से कि ये देखो मुझे इतने पैसे मिल रहे। हमने तो उसके ये किया कि जिस तरह से वो अल्लाह पाक की कसमें खा रही थी, कसम तो पहले भी उसने उठाई थी, उसने ये बोला था कि मैं खुदा को हाजिर नजर जान के कहती हूँ कि मेरे आज एक रुपया मेरे पास नहीं है। ये बात तो उसने अभी भी की है कि निकाह के बाद उसने सारे पैसे मुझसे ले लिए। उसने बोला कि हम अपने घर बना रहे हैं और घर के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो अगर तुम घर बना रहे थे, घर बनाना मर्द की जिम्मेदारी होती है, जब वो घर बना चुका होता है तो वो शादी करता है, सारे अपना सेटअप सारा पूरा करके ना फिर वो किसी की बेटी को घर लेके आता है। यहाँ पे सारा का सारा जो है ना वो मामला तुम्हारी तरफ ही गलत जा रहा है, क्योंकि एक तो तुमने उस औरत से पैसे लिए, दूसरा तुमने ये किया कि फिर आके उस पर बात चलने के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। हालांकि वो जो बैठती है टिकटॉक पे वो भी कोई कम नहीं है, हम उसकी रोज़ की रोज़ देखते हैं लाइव बैठ के, कभी तो कोई क्लिप होता है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, कभी कुछ ऐसा होता है कि हम नहीं रिकॉर्ड कर पाते क्योंकि देखने वाले जो है ना हमारी फैमिली मेम्बर्स भाई लोग भी हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, तो इस वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड करती हूँ कुछ नहीं करती हूँ। लेकिन जब वो कर रही थी, तुम्हारे निकाह में थी, तुम्हारा उस पर हक था, तुम ऐसा करते कि जब शादी करके उसको घर लेकर गए थे उसको बोलते हैं कि सोनिया अब तुम आराम सुकून से यहाँ बैठ के खाओ, मैं कमाई करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैंने तो मजदूरी करता हूँ, जो भी मुझसे हो सका मैं तुम्हें दूंगा। हालांकि जो औरत का खाना पीना कपड़ा वगैरह सारा कुछ होता है ना ये मर्द की जिम्मेदारी होती है, वो जहाँ से भी लाए लेकिन अपनी औरत को वो भूखे पेट नहीं सुलाता है, वो उसके कपड़े अच्छे से अच्छे उसके होते हैं, इज्जत होती है मर्द की। औरत का अच्छा खाने पीने उसके अच्छे कपड़े वगैरह उसका रहन सहन दे के ना मर्द की असलियत का अंदाज़ा, मर्द के प्यार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मर्द की गैरत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी औरत कैसी है। लेकिन तुमने भी लालच में आकर सोनिया से शादी की, उसके पास जो चैनल था इन चैनल्स ने औरतों को तबाह कर दिया है, साबरा भी इसी चैनल्स की वजह से ही बरगलाई गई है। तुमने बोला कि जावेद आता था और उसके क्या नाम है नदीम भाई ने हाथ जोड़े कि इसको घर ना आने दिया करो, ये बात में इस बात से मैं एग्री करती हूँ क्योंकि ये उसकी सोनिया के अम्मी और अब्बू का कसूर है, क्योंकि एक बार पता चल चुका था कि ये बंदा ऐसा है, फिर आप लोग जावेद को घर में क्यों घुसाते थे। तो यहाँ पे ये कहते हैं यही हम बोलेंगे कि इसमें भी सारा का सारा जावेद का कसूर नहीं है, जावेद को आगे से रिस्पांस मिलता था तो जावेद जाता था, अगर जावेद को कोई बंदा मुंह ना लगाता, कोई बंदा अगर वो किसी को गलत नज़र से गंदी नज़र से देखता तो आगे से उसको कोई रिस्पांस ना देता, बल्कि उसको गाली गलौज मिलती, उसको झिड़कियाँ मिलती, तुम क्यों हमारे घर आते हो, तुम इस नज़रिए से हमारे घर आते हो। तो हम कहते हैं कि जावेद बार बार जाता है इस घर से, दुदकारा गए बाग जाता है जावेद फिर भी जाता है, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं था, जावेद को भी पूरा का पूरा रिस्पांस मिलता था और देती थी वो साबरा, और साबरा ने इसकी तरफ किस बंदे ने साबरा को उसकी तरफ मायल किया, किसने लगाया, वो हैं इन सोनिया लोग, क्योंकि सोनिया भी उसके साथ जाती थी, उसके साथ आगे पीछे यूट्यूबर से मिलती थी,
सोनिया भी कुछ कम नहीं थी और ना ही अब सोनिया कुछ कम है। तो सॉरी, तुम जो बातें कर रहे हो तुम्हारा चेहरा उस बात की साथ नहीं इसका दे रहा है। तुम गलत हो, तुम मारा पीटा उसको तुमने, और जितनी भी हो चाहे ना जितनी भी तेज हो, चलाक हो, शातर हो, लेकिन वो मर्द भी हाथ नहीं उठा सकती है क्योंकि मर्द की ताकत का हर औरत को पता होता है। और तुम जो कह रही हो उसने मारा है, उसने कपड़े जलाए, तो तुम इतनी शरीफ, इतनी पारसा, इतनी अच्छी जो लोगों के लिए बकवास कर सकता है ना, उसकी ज़बान का अंदाज़ा और उसकी जो नस्ल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बंदा है खुद कैसा है। तो तुम बिल्कुल शरीफ बीबा बैठे बने हुए थे, देख रहे थे, रो रहे थे, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, मेरे साथ क्या हो गया, मेरी वाइफ क्या कर रही है, ये किसी और से क्या क्या गिफ्टिंग लेती है, क्या क्या बोलती है। तुम बस उसी परेशानी में थे, तुम सत्ते की हालत में आ गए थे, तुमने कुछ भी करने हालत में नहीं थे, क्योंकि सकता जब इंसान को हो जाता है ना तो इंसान बिल्कुल चुप हो जाता है, उसको कोई पता नहीं चलता क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या नहीं हो रहा। तो तुम उसी सत्ते में आए हुए थे, सोनिया ने कपड़े उठाए, सोनिया ने जलाए कपड़े, सोनिया ने शीशे तोड़े, इस्त्री तोड़ी, सारा कुछ तोड़ा, तुम चुप करके बैठे रहे, तुमने तो उसको फूलों की झड़ी भी नहीं लगाई। तो ये बात भी कुछ हजम नहीं हो रही। यहाँ पे आज की तुम्हारी वीडियो में सारा का सारा कसूर जो है ना वो तुम्हारा ही लग रहा है। हम सोनिया को भी नहीं बख्शते कि सोनिया अच्छी है, सोनिया भी नहीं अच्छी, और चाहे जितनी भी हो गिरी हुई हो ना, लेकिन उसकी अपनी एक इज्जत होती है, वो माशरे के सामने यही जाहिर करती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, चाहे वो कितनी गलत भी क्यों ना हो, लेकिन वो लोगों के डर की वजह से वो छुपती है। लेकिन यहाँ पे वो भी कहती है मुझे किसी का डर नहीं है, उसको डर होगा लोगों का, मुझे किसी का डर नहीं है। तो मैं सुनिया बीवी तुम्हें ये कहती हूँ कि औरत को डर होता है अपनी इज्जत का, अपनी अपने खानदान का, अपनी नस्ल का, अपने माँ बाप का, औरत को डर होता है। औरत कुर्बानियाँ देती आई है, अल्लाह पाक ने भी औरत को किस वजह से कहा है कि वो मर्द के का दर्जा औरत से बड़ा है, इसी वजह से कि अगर सजदा अल्लाह पाक हुक्म देते हैं कि अपने बाल सजदा करने का, तो बीवियों को हुक्म मिलता कि अपने शोहर को सजदा करो। तो इस लिहाज से सोनिया कम तर है तुमसे, लेकिन सोनिया भी खुद को बहुत ही बड़ा समझती है, जैसे उसने कोई तीर मार लिया, जैसे सोशल मीडिया पर काम करके उसने ये दुनिया को पहली बार ये बावर किया कि मैं ही वो औरत हूँ जो मैं सोशल मीडिया से अर्निंग कर सकती हूँ, और तो कोई औरतें ही नहीं है। हर कितनी ऐसी औरतें हैं, कितनी ऐसी व्लॉगर हैं जो व्लॉग बना के भी तो लोगों को ये दिखा सकती हैं कि देखिए हम भी मर्दों की इज्जत कर सकते हैं, हम भी अर्निंग कर सकती हैं और मर्दों के शाना बिशाना खड़ी सकती हैं। तुम तो सोशल मीडिया पे हो, कुछ लोग ऐसे हैं मेरी मिस, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक दो बातें आप लोगों से करना चाहूँगी कि मेरा जो कज़न है, खाला का बेटा है, उसकी जो वाइफ है ना वो भी गवर्नमेंट टीचर है, और मेरा जो बेटा है, सॉरी खाला का बेटा है, मेरा कज़न जो है वो भी गवर्नमेंट टीचर है। आप यकीन करेंगे ना कि मैं रोज़े की हालत में मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी। अल्लाह पाक देख रहे हैं ना, तो मेरी वो जो कज़न की वाइफ है वो अपनी सारी पे अपने हस्बैंड के हाथ में रख दिया, उसका एटीएम कार्ड भी मेरे कज़न के पास होता है, उसके हस्बैंड के पास होता है। कल परसों मैंने उससे बात की, मैं कहती हूँ कि कपड़े तुमने छुपाएंगे, वो कहती है कि मैंने कैसे लूँ कपड़े, क्योंकि उस दिन मैं गई थी ईद से पहले लेकर आई हूँ। मैंने कहा कि तुम्हारे इसने किया है, मेरे कज़न ने तुम्हें शॉपिंग करवाई है कि तुमने खुद किया, तो वो कह रही थी कि नहीं उन्होंने ही करवाई है, क्योंकि हम दोनों के एक ही जगह पैसे होते हैं, घर जो एक है, तो बच्चे हमारे हैं, तो घर हम लोगों ने मिल के बनाना है, तो ये होती हैं औरतें। अच्छा सॉरी, एक और औरत है और वो नताशा के नाम से उसका व्लॉग है, फ्रांस में वो रहती है, तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं उसके व्लॉग्स भी देखती हूँ। उसका हस्बैंड बीमार है, उसको पता नहीं कोई क्या प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, ट्रांसप्लांट होता है उसका या क्या होता है। वो औरत अपनी मेहनत मजदूरी करके वो यूट्यूब पे भी काम करती है, उधर भी जॉब करती है, अपना काम करके वो अपने हस्बैंड का इलाज भी करवा रही है, अपने बच्चों की स्टडी भी करवा रही है, और साथ साथ वो अपने घर का भी सारा काम देख रही है। तो ये होती हैं औरतें जो अल्लाह पाक की नज़र में अच्छी होती हैं। ये नहीं है कि तुम बार बार यही कहो, तुम जिसे अकड़ के चलती हो सोनिया, इससे तो यही लगता है ना कि जो हस्बैंड का दर्जा होता है वो भी तुमने ले लिया है, और इस बेगैरत को तुमने खुली छुट्टी दे दी है।
इस गीत व गैरत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये भी पैसे के लिए मर रहा है। ये कहता है कि मैंने सोनिया को बोला कि लाइव ना आओ, सोनिया को लेकर तुम शादी पे गए थे, सोनिया को लाइव तुमने आके बिठाया, फिर तुम कहती हो कि सोनिया हमें कोई ज़रूरत नहीं है हम लाइव पे बैठने की, क्योंकि हमारे पास एक चैनल ऑलरेडी मौजूद है। ऑलरेडी मौजूद है किसका चैनल? वो चैनल सोनिया का, तुम्हारा नहीं है चैनल। तुमने अपनी बकवासियत की वजह से अपने तुमने जो असल चेहरा है ना अपनी नस्ल का तुमने जब पता दिया था, हम लोगों के साथ तुमने पंगा लगाया था और इस पंगा लगाने का नतीजा तुमने देख लिया था और इसमें ना तुम बुरी तरह से नाकाम हो चुके थे और तुम लोगों को तुम्हें खासकर हम लोगों ने छठी का दूध याद इसी वजह से दिलाया था कि तुम हद से बढ़ गए थे। छत के ऊपर खड़े होकर तुमने ये लोगों को दिखाते थे कि ये मैंने वाइफ की कमाई से ये मैंने घर बनाया, जिस घर की छत पे मैं खड़ा हूँ ना ये भी मेरी वाइफ के पैसों से है। आप लोग मेरी इज्जत का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना गैरतमंद मर्द हूँ और आज मैं एक दूसरी औरतों के लिए बकवास कर रहा हूँ, उन औरतों के लिए जिन्होंने बगैर अपने मर्दों को बताए तुम्हें सबक सिखाया। और आज अल्लाह पाक की करनी ऐसी हुई कि एक एक बात जो हम लोग अपनी वीडियोस में काफ़ी टाइम पहले बता चुके हैं वो बातें तुम दोनों ने ए टू जी सब कुछ बता दिया। हम लोग फिर भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप लोगों का घर बसा रहे, अल्लाह पाक टूटने से बचाए। जो बेटियों वाले होते हैं ना वो किसी की बेटी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, हम तो आज भी दुआ गोए, लेकिन कहीं ना कहीं मकाफाती अमल है और आप लोग ये भुगत रहे हो। मैं यहाँ पे कोई भी क्लियर कट बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन तुमने जितना जहनी टॉर्चर किया था ना किसी को और कितनी ज़्यादा तुमने उनको इस बात की दिए थे ना कि चोले लगाए थे ना, आज अल्लाह की करनी कि उसकी एक एक सांस का अल्लाह पाक ने बदला लिया और इंशाल्लाह अल्लाह पाक लेंगे भी। और तुम जैसे गंदी नस्ल के और गंदे खून के लोगों को अल्लाह पाक ने ये याद दिलाया कि किसी की औरतों के ख़िलाफ़ भौंकने से क्या मिलता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सोनिया की वीडियो पे रिव्यू दूंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।